दोस्तों, यदि आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हो और रोज़ का 1000-2000-1500 रुपये तक के आसपास का कमाना चाहते हैं, वो भी 10000-20000 की कैपिटल से, तो जो मैं आज स्ट्रेटेजी आपके लिए लेकर आया हूँ, ये आपको अपना टारगेट पूरा करने में बहुत ही आसान कर देगी, यानी कि बहुत मदद करने वाली है स्ट्रेटेजी मैं लेकर आया हूँ। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि आपको ये स्ट्रेटेजी पहले कहीं से आपने देख रखी हो, ठीक है, आपने कहीं सुन रखी हो, लेकिन आपको लगता है नहीं प्रॉफिट नहीं हो सकता, लॉस नहीं हो सकता, तो आज हम क्या करेंगे दोस्तों, निफ्टी 50 के कम से कम 10 या 12 स्टॉक्स पे उसको लगा कर देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि स्ट्रेटेजी वास्तविकता में काम करती है या फिर बस वीडियो ही बनाए जाते हैं इसके। तो सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में दोस्तों हम डिटेल में देखने वाले हैं। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, ताकि हमें पता चले कि मैं जो स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। और चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही स्ट्रेटेजी मैं आपके लिए लाता रहूँ। तो चलिए दोस्तों, हम सीधा चलते हैं हमारी स्ट्रेटेजी पे। पर स्ट्रेटेजी दोस्तों जो बेस है वो है मूविंग एवरेज, सिंपल सा मूविंग एवरेज है, कोई रॉकेट साइंस लगाने वाला नहीं है, और 3 मूविंग एवरेज हमें लगाना है। ये बहुत ही डायनामिक मूविंग एवरेज है दोस्तों, एक 5 का है, एक 8 का है और एक 13 का है, यानी कि 5, 8, 13 का मूविंग एवरेज है, और ये स्ट्रेटेजी जो है क्रॉस ओवर स्ट्रेटेजी। अब दोस्तों, आपके सामने जो अभी चार्ट खुला हुआ है निफ्टी 50 का, जो इंडेक्स का है, इंडेक्स का चार्ट खुला हुआ है, ठीक है, ताकि आपको ऐसा ना लगे मैं कोई अपना फेवरेट स्टॉक आपको सामने बता दूंगा और फिर उसी पे बस आपको सब ट्रेड करवाते रहूंगा। तो मैंने सबसे पहले आपके सामने निफ्टी 50 का चार्ट लगा लिया है। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कैसे ये स्ट्रेटेजी काम करती है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा हमारा होमवर्क कर लेते हैं, हमें यूज़ कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यदि आप बाय करना चाहते हैं, ठीक है, सबसे पहले यदि आपको बाय सिग्नल लेना है, ठीक है, तो बाय कहाँ पर करेंगे, जब आपको तीनों, ठीक है, मूविंग एवरेज, ठीक है, थोड़ा इसको कैपिटल कर देते हैं, तीनों मूविंग एवरेज के ऊपर, यानी कि एबव, तीनों मूविंग एवरेज के ऊपर अगर चले जाता है तो आपको बाय करना है। और ऐसा ही सेल कब करना है, जब तीनों मूविंग एवरेज के बिलो आ जाए, ठीक है, प्राइस अगर उसके बिलो आ गई है तो आपको सेल कर देना है। ये हमने हमारा बेसिक सा रूल बना लिया। अब हम इसको बैक टेस्ट कर लेते हैं कि स्ट्रेटेजी हमारी काम करेगी या नहीं करेगी। तो दोस्तों, कम से कम आज मैं आपको 10 से 12 स्टॉक्स पे इस स्ट्रेटेजी को ट्राई करवाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, नए साल से ही शुरुआत कर लेते हैं। ये 2020 हमारा यहाँ से शुरू हुआ, गैप अप ओपन हुआ, ठीक है, यहाँ पर तो दोस्तों आपको ट्रेड लेना नहीं है। क्यों नहीं लेना, गैप अप डाउन पर दोस्तों ट्रेड लेने के कुछ नियम होते हैं, ठीक है। अब ये स्ट्रेटेजी जो है सिंपल है, इसलिए मैं इसको गैप अप और गैप डाउन के चक्कर में कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहता। तो आपको क्या करना है दोस्तों, जब भी इस तरह के गैप अप या गैप डाउन हो, आपको थोड़ा सा वेट करना है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों होता है क्या, गैप है वो फील हो जाती है कुछ देर में, या उसका जो गैप अप ओपन होने का कारण रहता है वो आपको मार्केट खुलने के कुछ देर बाद पता चल जाता है। तो आपको दोस्तों यहाँ पर देखिए, नया साल लगा हमारे लिए, गैप अप हुआ, हमने यहाँ पर ट्रेड नहीं लिया और वेट किया। अब इस स्ट्रेटेजी के कारण जो हमने हमारे रूल बना रखे हैं, यहाँ पर क्या बनाए, बाय हम तभी करेंगे जब तीनों मूविंग एवरेज के ऊपर हो, और सेल तभी करेंगे जब तीनों मूविंग एवरेज के नीचे है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो है 2020 चालू हुआ यहाँ से। अब यहाँ पर आप देखिए, जैसे ये वाला जो कैंडल बना था 10 बजे, ठीक है, कीमत थी 12,197, तीनों मूविंग एवरेज के नीचे कैंडल बन गई थी। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये जो कैंडल है जहाँ पर अभी हमारा कर्सर चल रहा है, यहाँ पर देखिए, अब कैंडल तो दोस्तों ये भी थी, लेकिन ये इन मूविंग एवरेज के अंदर ही चल रही थी। तो आपको कन्फर्मेशन के बिना ट्रेड नहीं लेना है, जब तक आपको कन्फर्मेशन ना मिले आपको ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, इस कैंडल में यदि आप लेते तो आपको पता था कि ये तीनों मूविंग एवरेज के नीचे आ चुके थे, वो 12,195 आप इसको शॉर्ट कर दें। एक ही कैंडल में आपको जो टारगेट मिलता वो करीबन दोस्तों आपको मिलता 10 से 15 पॉइंट का, ठीक है। ये देखिए 97 पे आप यहाँ थे, 94-95 पे, ये देखिए 95 पे थे आप, और इसका अगर आप लो देखेंगे तो आपको पता चलेगा 86, यानी कि दोस्तों 700-800 रुपये। एक अगर आप लॉट में भी ट्रेड करते हैं, 700-800 रुपये आपको 10 बजे मिल गए। अब आप दोस्तों यहाँ पर देखिए, ट्विजर बॉटम बन गए, यानी कि इन दोनों का बॉटम सेम है। यदि आपको थोड़ा सा कैंडलस्टिक आता है तो मैं आपको बता दूं, ट्विजर बॉटम है। और यदि आप कैंडलस्टिक के बारे में सीखना चाहते हैं बेसिक से, तो दोस्तों मैं आपको एक वेबसाइट या एक टेलीग्राम चैनल बता देता हूं, ताकि आपको समझने में आसानी हो। यहां पर दोस्तों हिंदी में आपको बताया जाएगा सारे टेक्निकल एनालिसिस और कैंडलस्टिक चीज़ें कि किस तरह से काम करती है। आप एक बार इस चैनल टेलीग्राम चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं, इसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए दोस्तों, जब आपको 10 से 12 पॉइंट या 5 से 10 पॉइंट ही, मान लीजिए हम 5 ही पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो आपको मोटा मोटी दोस्तों 500-700 रुपये यहाँ पर मिल गए। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, ऊपर गया तो आपको बाय कब करना था, जब तीनों मूविंग एवरेज के ऊपर चले जाए। लेकिन आपको पता दोस्तों, जैसे ही इस मूविंग एवरेज के ऊपर जाने लगी प्राइस, वापस से सेलर हावी हो गए
और आपको दोस्तों वापस ये कन्फर्मेशन वाली कैंडल मिल गई। अब कन्फर्मेशन वाली कैंडल कैसे मिली मैं आपको बता देता हूँ। ये जो कैंडल बनी थी ये वाली, ठीक है, इसका अगर आप क्लोजिंग देखेंगे तो आपको पता चलेगा तीनों मूविंग एवरेज के नीचे है। ठीक है, अब दोस्तों ये स्ट्रेटेजी इसलिए मैं बता रहा हूँ, इतना मतलब नॉर्मली सबको पता है कि ये स्ट्रेटेजी है, लेकिन कोई भी इसको अच्छे से फॉलो नहीं करता। यदि आप दोस्तों 2 से 4 दिन इस पर होमवर्क करेंगे, आप चाहे पेपर ट्रेड करके देखिए, आपको पता चल जाएगा कि ये स्ट्रेटेजी वास्तविकता में कितना काम का है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो कैंडल है इसने अच्छे से इन तीनों मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दी और जो लेवल था 12192 था, आपको 10 मिनट में ही 12192 से 176 पे लेवल मिल गया, यानी मोटा मोटी आपको 20 पॉइंट मिले जो कि होते हैं 1500 रुपये के आसपास। एक लॉट में आपको 1500 रुपये के आसपास मिल गया। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों ये कैंडल जो थी मूविंग एवरेज के ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कैंडल कुछ इस तरह की बनती है तो आपको सतर्क हो जाना। अब दोस्तों सवाल ये आता है कि क्या हमें ये पहले से पता चल जाएगा कि इस तरह की कैंडल बनेगी, तो मेरा जवाब है नहीं, आपको पता नहीं चलेगा, किसी को पता नहीं चलेगा अगली कैंडल क्या बन सकती है। तो आपको दोस्तों करना क्या है, इस तरह की जब बड़ी सी कैंडल बने तो आपको बाय करना है विद अ मिनिमम स्टॉप लॉस। मान लीजिए आपने यहाँ बाई कर लिया 186 पे, ठीक है, तो आपको स्टॉप लॉस लगाना था 81 यानी कि 4 से 5 पॉइंट का। तब इसने लो लगाया दोस्तों 83 का, 82 का, ठीक है, तो आपका स्टॉप लॉस 2 पॉइंट से बच गया। और यदि आप यहाँ पर भी इसको हाई पे भी देखेंगे, यहाँ पर भी आप काटते हैं तो 90 का, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 85 पे खरीदा, 90 पे आपने बेचा, 5 पॉइंट आपको यहाँ पे मिल गए। तो दोस्तों ये तो हुई हमारी निफ्टी की बात। अब अगर हम स्टॉक्स की बात करते हैं, हमने देख लिया आपके सामने स्टॉक लगा दिया, ये है अदानी पोर्ट का। अब यहाँ पर आपको मैं कुछ सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, यहाँ देखिए, ठीक है, ये जो कैंडल है 375 हाई लगाया इसने 376.60, फिर लाल कैंडल बने, मूविंग एवरेज के नीचे आकर क्लोजिंग नहीं दी। और हमारा रूल क्या है दोस्तों, जब हम बाई करते हैं तो मूविंग एवरेज के ऊपर बाई करते हैं, सेल करते हैं तो मूविंग एवरेज के नीचे सेल करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सेल का तो ऑप्शन था ही नहीं, एक बुलिश जो बड़ी सी कैंडल बनी थी मोरोबोजू उसके ऊपर हम बाई कर लेते हैं और स्टॉप लॉस तो हमें पता ही है, मूविंग एवरेज के नीचे का स्टॉप लॉस लगाते हैं हम। ठीक है, तो यदि आप 76 पे बाई करते तो आपको पता क्लोजिंग भी 78 की दी, यानी कि आपको 2 रुपये आसानी से मिल जाते। इसी तरह आप कोई से भी स्टॉक्स में देखेंगे, यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों एशियन पेंट का है ये क्लोजिंग है इसकी, ठीक है, 1794, आप अगर बाई करते और मूविंग एवरेज के लो का भी अगर स्टॉप लॉस लगाते तो आपको आसानी से ऊपर 5 से 7 रुपये एक स्टॉक पे मिल जाते। इसी तरह आप एक्सिस बैंक पे आप एक तरफा देख सकते हैं, कोई ज़्यादा वो बताने की ज़रूरत है नहीं। यहाँ पर देखिए इस कैंडल ने दोस्तों 754 से अगर आप लेते नीचे तो आपको पता चलता करीबन 749 तक, यानी 5 से 6 रुपये आपको 15 से 20 मिनट में आसानी से मिल गए होते। ठीक, इसी तरह से दोस्तों आप कोई सा भी हम रेंडमली अगर स्टॉक उठाने की कोशिश करें तो आपको आसानी से दिख जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों अच्छे से क्लोजिंग दी, तीनों मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दे दी इसने कैंडल ने 9377 पे। ठीक है, अब 77 से दोस्तों इसका अगर आप लो देखना चाहेंगे तो करीबन 17 से 18 रुपये आपको एक शेयर पे मिल जाता है। अब दोस्तों ट्रेडिंग में ऐसा होता है अगर मुश्किल 1 रुपये भी अगर 2 से मान लीजिए 1 से 2 रुपये भी अगर एक शेयर में मिल रहा है तो इंट्राडे ट्रेडिंग में कोई छोटी बात नहीं होती है। ठीक है, रिस्क रिवार्ड हमेशा आपके फेवर में होना चाहिए। यहाँ देख लीजिए दोस्तों इसको इसने सफिशेंटली अच्छे से इस मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दिया। मान लीजिए आपने यहाँ पर भी अगर सेल किया 490 पर तो आपको करीबन यहाँ पर देखिए दोस्तों 491 यानी कि 50 से 60 पैसा आपको एक स्टॉक पर मिल गया। मान लीजिए 100 भी अगर आप स्टॉक बाई सेल करते हैं, कम से कम मैं बता रहा हूँ गिरी से गिरी हालत में अगर आप 50 से 100 स्टॉक्स में भी काम करते हैं तो एक ट्रेड पे आपको 50 से 60 रुपये मिल जाते हैं। आप अगर दिन का 5 से 7 बार भी इस तरह के ट्रेड ढूंढ लेते हैं तो आपको 500-700 रुपये आसानी से मिल जाते हैं। और इस तरह के अगर बड़े ट्रेड आपको मिल गए किस दिन, देखिए यहाँ पर मूविंग एवरेज इसके नीचे मैं थोड़ा सा बुल साइड कर देता हूँ, यहाँ देखिए, ठीक है, आपको आसानी से दिख रहा है इस कैंडल ने दोस्तों इसके नीचे क्लोजिंग दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप इसकी लो भी देखेंगे तो 493 का था और अगर इसका लो देखेंगे तो 487 का, यानी कि 6 रुपये एक शेयर पे आपको मिल रहे हैं 15 से 20 मिनट के अंदर। कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है 5 से 6 रुपये एक शेयर पर निकालना इस तरह के इंट्राडे ट्रेडिंग में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको पता चलता है किस तरह से आपको ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल ये स्ट्रेटेजी बना सकती है। हम एक और 1 से 2 स्टॉक्स और देख सकते हैं ताकि आपको पता चल सके। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों इस तरह के मूवमेंट में आपको फंसना नहीं है, हमेशा वेट करना है कि जो क्लोजिंग है वो या तो मूविंग एवरेज के नीचे दें या मूविंग एवरेज के ऊपर। अब यहाँ पर देखिए कैंडल बुलिश बन के आया, मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया, यहाँ पर भी मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया, यहाँ पर भी ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया। तो इस तरह के हमें बाई सेल की जरूरत नहीं है करने की, हमें जब तक क्लियर इंडिकेशन ना मिले हमें बाई या सेल नहीं करना। अब यहाँ देखिए दोस्तों इस कैंडल ने मूविंग एवरेज के ऊपर, मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग भी दी है इसने। ठीक है, और आप यहाँ देखिए 210 रुपये 30 पैसे का था और इस कैंडल ने हाई लगाया 211
और 211 रुपये 30 पैसे, यानी कि 5 मिनट पे आपको एक शेयर पे 1 रुपया मिल जाए। मान लीजिए आप 1000 शेयर भी, जैसे कोल इंडिया आपको पता है छोटा शेयर है, आप अगर 1000 शेयर से भी ट्राई करते हैं तो आपका जो टारगेट है 1000 से 1500 रुपये का, वो मुश्किल से 5 से 10 मिनट में आसानी से पूरा हो जाता। अब आपको करना क्या दोस्तों, एक पेशेंस लेके बैठना है, और जब तक क्लियर इंडिकेशन ना मिले आपको ट्रेड नहीं लेना। ऐसा नहीं कि दोस्तों कंप्यूटर चालू करा आपने और रेंडमली किसी भी तरीके से कोई सा भी आपने ट्रेड लिया, आपको ट्रेड अच्छे से मिलेगा, आपका इंतजार करेगा ट्रेड, ठीक है, लेकिन आपको भी उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। यहाँ देखिए दोस्तों, आप अगर इसका देखें 572 रुपये की यहाँ पर इसकी क्लोजिंग दी थी, इसका अगर हाई देखेंगे तो 73 रुपये, 1 रुपये एक शेयर पर आसानी से मिल रहा, बिना कोई टेक्निकल एनालिसिस लगाए, बिना कोई ज़्यादा मेहनत किए आसानी से आपको पैसा यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है, बड़ा आसान है। इसे कोई ऐसा नहीं दोस्तों कोई रॉकेट साइंस मैं बता रहा हूँ, कोई कट पेस्ट कॉपी एडिटिंग करके मैं आपको सिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए HUL का जो शेयर है, ठीक है, यहाँ आप अगर क्लोजिंग देखेंगे तो 1942 की है, और यहाँ अगर आप लो देखेंगे, ठीक है, तो 1937, और उसके बाद अगर ये लो देखेंगे 1935, मतलब 12 से 14 रुपये आपको आसानी से यहाँ पर मिल रहा है। कोई मतलब ऐसा रॉकेट साइंस वाला है ही नहीं यहाँ पर जगह, एकदम सिंपल आपको एनालिसिस करके मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब इस तरह से दोस्तों जब भी आप ट्रेडिंग करेंगे, मान लीजिए यह देखिए, ठीक है, छोटा स्टॉक से 120 रुपये के आसपास का यहाँ पर क्लोजिंग दिया इसने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्लोजिंग आपको जो कीमत दिखेगी 121 रुपये 10 पैसा का, और इस तरह के अगर हाई को अगर आप देखेंगे तो 121 रुपये 70 पैसा, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो डोजी है इस तरह के जब कैंडल को आप समझते हैं, ठीक है, तो आपको पता है यहाँ की जो पोजिशन, यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है। तो इस तरह की पोजिशन पर भी अगर आप काटते हैं तो 180 मतलब कि 121 रुपये 80 पैसे की ट्रेडिंग यहाँ पर हो जाती, तो आपको आसानी से एक शेयर पे 70 से 80 पैसा एक ट्रेड पे मिलता है। दोस्तों अगर आप 1000 शेयर से भी यूज़ करते हैं तो आपको पता है 700-800 रुपये एक ट्रेड में आसानी से मिल जाए, और मुश्किल से दोस्तों आप अगर कैंडल स्टिक में देखें 1 घंटे का भी समय यहाँ पर नहीं लगा होगा। यहाँ 10 बजे की कैंडल बनी और ये हाई जो बनाया दोस्तों इसने 10:55 पे हाई बनाया, यानी कि 55 मिनट में आपका एक टारगेट आसानी से 1000 रुपये के आसपास का ट्रेडिंग का पूरा हो जाता। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये स्ट्रेटेजी आपको पसंद आई होगी, तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए दो कि प्रॉफिट करने में अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि मैं आने वाले दिनों में कुछ इसी तरीके से अच्छी अच्छी स्ट्रेटेजी जो कि प्रोफेशनल लोग यूज़ करते हैं, और छोटा छोटा वो क्या करते हैं दोस्तों, कभी भी आप देखिएगा प्रोफेशनल लोग जो रहते हैं कभी भी ऐसा नहीं करते 100 पे खरीदते हैं और 500 पे बेचते हैं या 200 पे बेचते हैं, वो क्या करते हैं ज़्यादा क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं और 20 पैसा 50 पैसा या 1 रुपये का जो भी उनको मार्जिन मिलता है उस पर वो बेच के बाहर निकल जाते हैं, और हम लोग उस तरह में रास्ता देखते हैं, हम क्या करते हैं ग्रीडी हो जाते हैं। मान लीजिए कोई ट्रेड हमारी ग्रिप में फंस गया है, मान लीजिए ये हमने खरीदा, ठीक है, अब यहाँ पर हाई मिल रहा था हमको 70-80 पैसे एक स्टॉक पर एक शेयर पर मिल रहा था, तो हम क्या करते हैं नहीं 1 रुपये नहीं लेंगे, हम 2 रुपये पर बेचेंगे, 3 रुपये के पर शेयर पर प्रॉफिट के बेचेंगे, और दोस्तों फाइनली वो पोजिशन लॉस में आके कट जाती है, बराबरी पर आकर कट जाती है। जबकि प्रो ऐसा नहीं करते दोस्तों, प्रो क्या करते हैं या तो स्टॉप ट्रेल करते जाते हैं या इस तरह की सिचुएशन आके वो प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो आपसे दोस्तों मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपना हमेशा स्टॉप लॉस के साथ काम कीजिए और ट्रेल करते जाइए अगर आप प्रॉफिटेबल सिचुएशन में आ गए हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।